103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो FM बैतूल। हेलो FM बैतूल, हेलो FM बैतूल। नमस्ते सर, नमस्कार। हम साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नाहर मंटोला, जिला मधुबनी बिहार से। साबिर जी बात कर रहे हैं जिला मधुबनी बिहार से। कैसे हैं सर आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से बनने चल रहा है। आज हमको सर गाना सुना दीजिए। जी बताइए। जब जब फूल खिलेगा परदेशियों से ना अखियां मिलाना। अच्छा ये गाना सुना है, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है और मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। तो आपको ये सुंदर सा गीत हम जरूर सुनवाएंगे। बताइए आपके इधर पानी गिर रहा है कि नहीं साबिर जी? नहीं सर, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं सर, अभी बारिश नहीं हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? हम गाड़ी चलाते हैं सर। यहाँ मधुबनी बिहार में आपका परिवार रहता है? गाँव में सब रहते हैं सर, जाते हैं जब मानिए 3 महीना 6 महीना पे घर जाते हैं। अच्छा तो साबिर जी आपको सुनवाते हैं फिल्म जब जब फूल खिले से आपकी पसंद का ये गाना। हेलो FM बैतूल। प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, मैं मुरलीधर ढोले वडोदरा तहसील नुकसान नगर जिला जलगांव संदेश महाराष्ट्र से। मुरलीधर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, महाराष्ट्र से। हाँ, आपके प्रोग्राम में गाना सुना है, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं फिल्म से। हाँ, इसका टाइटल सॉन्ग है हमें अगर दुश्मन जमाना गम नहीं हम किसी से कम नहीं। हाँ बिल्कुल, आरडी बर्मन का म्यूजिक, आरडी बर्मन का है और गायक है मोहम्मद रफी। तो आपको ये गाना सुनना है महाराष्ट्र में? हाँ जी। क्या करते हैं आप?
मुरलीधर जी। सर मेरा तो चंगा मुरमुरा पुताना ये इसका आज हमारे यहाँ का बाजार रहता है। अच्छा, सप्ते का बाजार रहता है आज। अच्छा, गुरुवार के रोज। तो गुरुवार के दिन। अच्छा। तो हर दिन छह दिन फिर गांव में रेडी लगाते हम। अच्छा। और आज के दिन बड़ा दुकान लगा देते बाजार में। अच्छा, आजू बाजू के सब ग्रामीण लोग भाग के लोग आ जाते हैं। आज के दिन अच्छा धंधा होता है। हाँ, आज का दिन अच्छा बिजी रहेंगे आप। हाँ। तो परिवार में सब ठीक है आपके? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी, एक लड़का है, तीन लड़कियाँ है, बहू है, पोता है। चलिए मुरलीधर जी, सर कुछ मेरे मित्र को बुझे करना चाहता हूँ। सर मेरे मित्र है सुनील वाघ, सुरेश नावकर, शरद वानखेड़े, संतोष वस्ताने, संतोष काटे, अनंत भुट्टे, विजय सुरोलकर, हिमंत कड़ू, गौतम रायबोले, अशोक पाटिल, मारुत भोसले, सतीश रघुवंशी, कल्याण सिंह और जानकी राम काटोक, ये सब मित्र को सुना, मेरे साथ में रहते सर, ये सब हम सुनते। हाँ, एफएम बैतूल। हेलो, एफएम बैतूल। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार सर, हमें एक फिल्म का गीत सुनना था। बताइए कौन सा गीत सुनवाए? वारिस फिल्म का है सर। फिल्म वारिस से कौन सा गाना? हाँ, वो शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है, घटा छा गई बाहर आ गई है। हाँ, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। जी सर। तो हाँ सर, ये मौसम के हिसाब से गीत जो बादल छाई रहती है, अभी बारिश हो रही है, इसी के सुनना था गीत। अब इस गाने की फरमाइशकर्ता का नाम हम जान सकते हैं? हाँ, श्रवण वामनकर बोल रहा, बैतूल से, बडोरा बैतूल से। जी सर। श्रवण वामनकर जी। हाँ, सुमन जी बोल रहे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण जी कैसे हैं? सर जी, अरे आपकी आवाज़ तो बहुत मीठी लगती सर जी। आप कैसे हैं? बहुत सुंदर, बढ़िया सर, बहुत आप लोगों का आशीर्वाद है। बडोरा में? हाँ, बडोरा में रहते सर, निजी निवासी है अपना। अच्छा, निजी निवास है। हाँ, निजी निवास है, परिवार सहित रहते हैं, पत्नी है, बीवी बच्चे है। कहाँ? आठने रोड में। आठने रोड बस्ती। हाँ सर, आठने रोड पे। तो श्रवण जी क्या कर रहे हैं आप इन दिनों? सर अभी काम का ठीक चल रहा है सर, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और घर पे रहते हैं, एक एटीएम लगा हुआ रखा रहता है घर पे, तो जॉब पे जाता हूँ जहाँ, तो वहाँ भी अपना रख लेता हूँ, वहाँ भी गीत सुनते रहता हूँ, घर पे आया तो चालू रहता है सर जी। गीत संगीत का आपको बेहद शौक है? हाँ, संगीत का बहुत सर, आपके आकाशवाणी केंद्र के तो प्रोग्राम सुनते रहते सर। यानी आप बहुत पुराने श्रोता है? जी सर, पुराने, आपके यहाँ फरमाइश मैंने और चल रहा है दो साल से, मेरे फरमाइश गीत आपके प्रोग्राम बचते भी है ना, वो है, मैं लेटर नहीं लिख सकता, मुझे लेटर का पता ही नहीं रहता वहाँ का, कोर्ट का। अच्छा, नहीं तो फरमाइश गीत में मैं भेज सकता था लेटर भी। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम का जो पता है वो है कि द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, और पिन कोड जो है आपको पता ही है 4600 है ना। तो जी सर, प्रोग्राम का नाम जो भी रहता है, और उसके बाद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, यही तो बस एड्रेस है, और आप फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम में पत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक सर। तो श्रवण जी को सुनवाते हैं बडोरा में, उन्हीं की पसंद है ये गाना।
हेलो एफएम बैतूल। नमस्कार। नमस्कार सर, कौन जी? उड़ीसा से बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। उड़ीसा से कौन बात कर रहे हैं? विजय, विजय महतो। विजय जी बात कर रहे हैं? जी जी। उड़ीसा से कहाँ से बात कर रहे हैं? गांव का नाम होती कोरदांगी, कोरदांगी केवंझर जिला, केवंझर जिला का कोरदांगी गांव, छोटी सी लोकल गांव। कितने लोगों की बस्ती है? 40-45 आदमी। तो आप क्या करते हैं? हम लोग अभी खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। ये वर्षा बारिश तो होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, हम लोग का थोड़ा थोड़ा बारिश होता है। अच्छा, इस वक्त खेतों में आपने क्या क्या बोया है? धान का चास किया, यानी धान बोया आपने? वही वाला चास करता हूँ। तो फसल ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अच्छा, मेरा परिवार तो मेरा बाल बच्चा है, बच्चा का नाम लेगुआ, मेरा का एक तो नाम हो, बेटा का नाम है विपिन महतो, बेटी का नाम है ममता सुनेली, और हम दोनों। तो उड़ीसा में आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं? सुनते लाइव स्ट्रीम से हम सुनते हैं। हमारे यहाँ से जो है ना, शाम की सभा में कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित होता है, आप जरूर सुनिएगा। जी जी जी। तो बताइए कौन सा गीत सुना? तो हमको देना, हमको गीत हम बोल देते हैं, फिल्म का नाम हमको मालूम नहीं। गाने की बोल। बड़ी दूर से आई है प्यारी का तोहफा लेके आई, यही वाला गाना। तो विजय जी को सुनवाते हैं उड़ीसा में, उनकी पसंद का ये गाना।
हेलो हेलो एफएम बैतूल। हाँ सर, मैं अनिल पवार बोल रहा था, खेड़ला किला से। खेड़ला किला से बात कर रहे हैं अनिल पवार जी? हाँ सर। अनिल पवार जी कैसे हैं आप? सर हम बढ़िया है। खेड़ला किला से बात कर रहे हैं आप, यानी बहुत करीब हैं आप बैतूल से? जी सर। बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका खेड़ला किला। हाँ। खेड़ला किला में जो किला है वो राजा ईल का बनाया हुआ किला है। तो आप जाते हैं ना वहाँ पे? हाँ सर जाते हैं ना। जब हम किले के ऊपर पहुँचते हैं तो हमें बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है, क्यों? हाँ सर, ऊपर से बहुत अच्छा नजारा देखने को मिलता है। हाँ, और नीचे जो झील है वो भी बड़ी खूबसूरत है। हाँ सर। तो आप क्या कर रहे हैं खेड़ला किला में अनिल जी? सर मैं खेती करता हूँ। क्या क्या बोया आपने? सर मक्का लगाई है और अपने धान लगाई है। तो मक्का कितने में लगा है? मक्का लगी है सर 4 एकड़ में, धान आधा एकड़ में, धान खाने के लिए लगाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अनिल जी कौन सा गीत सुनवाए? सर सावन का सुना देना कोई भी गीत अच्छा सा। सावन बस लगने ही वाला है कुछ ही दिनों बाद। हाँ सर सावन चालू होने वाले ही है। चलिए अनिल जी, परिवार में सब ठीक है? कौन कौन है? सर परिवार में मम्मी पापा है, एक भाई है, भाभी है और एक दीदी है। तो अनिल जी को सुनवाते हैं ये गाना। हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल। बिल्कुल, हेलो एफएम बैतूल में फोन लगाया है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है अंजलि जी? घोड़ा डोंगरी से बात कर रही हूँ। घोड़ा डोंगरी से बात कर रही है जी। तो अंजलि जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या करती हैं? कॉलेज करती हूँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? क्या सब्जेक्ट है आपका? थर्ड ईयर ये सब्जेक्ट है मेरा। घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन, बड़े पापा, चाचा, बड़ी मम्मी, यानी ज्वाइंट फैमिली। हाँ। तो हमारे यहाँ से जो है ना कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होता है शाम की सभा में, शाम 5:30 से 6 बजे के बीच। हाँ, सारे प्रोग्राम सुनती हूँ मैं तो। चलिए बहुत अच्छी बात है, कौन सा गीत सुनवाए आपको? आदमी खिलौना है मूवी का गाना सुनना है मुझे, बहुत बताते हो चाह में। अंजलि जी कहाँ पढ़ती हैं? बगडोना कॉलेज। घोड़ा डोंगरी से बगडोना आप आना जाना कैसे करती हैं? बस से आना जाना करती हूँ। अच्छा, चलिए अंजलि जी को सुनवाते हैं घोड़ा डोंगरी में, उन्हीं की पसंद का ये गाना। अच्छा, चलिए अंजलि जी को सुनवाते हैं घोड़ा डोंगरी में, उन्हीं की पसंद का ये गाना।
हेलो हेलो एफएम बैतूल, मैं हूँ सुमन, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा से बात कर रहे हैं हारून भाई जी। तो हारून भाई कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। विदिशा के क्या हाल है? विदिशा के अच्छे हाल है, काफी गर्मी पड़ रही है। बरसात नहीं हो रही? बरसात नहीं हो रही है, कम से कम 4-5 दिन हुए हैं बारिश नहीं हो रही। गर्मी पड़ रही होगी है ना? जी। हारून भाई आप विदिशा में क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं, 20 एकड़ जमीन है। क्या उगाया इस वक्त आपने? अभी तो गेहूँ बोए हैं। गेहूँ क्या, सोयाबीन बोया है। गेहूँ की फसल ठीक थी इस साल? हाँ, गेहूँ की फसल ठीक ठाक थी। हमारे यहाँ से जो है ना कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित होता है शाम की सभा में, आप जरूर सुनिएगा। जी, लेकिन आपसे पहली बार बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण भाई, आपसे मेरी पहली बार बात। जानकारी मिली है, हमें जानकारी नहीं था। एफएम बैतूल एफएम भी आता है आपका प्रोग्राम। ये कार्यक्रम प्रसारित होता है रविवार को सुबह 10:05 से 11 बजे के बीच। जी। तो हारून भाई कौन सा गीत सुनवाए आपको विदिशा में? जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, इस फिल्म से कौन सा गीत? पालिया है मैंने, है ना। तो हारून भाई आपके परिवार में कौन कौन है, सब ठीक ठाक है ना? हमारे घर परिवार में सब ठीक है। हमारे घर परिवार में है 3 भाई हैं, 1 बहन है, अब्बू है, अम्मी है। तो चलिए हारून भाई को सुनवाते हैं विदिशा में उन्हीं की पसंद का ये गाना। हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल, नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं संजू गंजाम बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवाड़े से। ब्राह्मणवाड़े से संजू गंजाम है इस वक्त हमारे साथ। बताइए संजू जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप सुनाएंगे? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं सर, खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं, तो इन दिनों खेतों में आपने क्या क्या बोया? सर अभी तो रोपाई काम चल रहा है धान का। धान की रोपाई का काम चल रहा है। रोपाई आप कितने एकड़ में कर रहे हैं? ज्यादा नहीं सर, 1.5 एकड़ में। अच्छा, तो संजू जी कौन सा गीत सुनवाएं? सर फिल्म का नाम है सर गद्दार, वो गाने के बोले सर बरस से पानी का मजा कुछ और होगा, इसमें आवाज सर बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने गाया है। अच्छा, तो संजू जी कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ से जो प्रसारित होता है? सर सुनते हैं ना सर, डेली सुनते हैं, संगीत सब सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
कार्यक्रम किसान वाणी से आप रेगुलर जुड़े रहिए। जी सर। संजू जी परिवार में सब ठीक है ना आपके? सर मम्मी पापा है, भैया भाभी और मैं। तो संजू जी को सुनवाते हैं ग्राम ब्राह्मणवाड़ा में उन्हें की पसंद का ये गाना। हेलो बैतूल रेडियो। हेलो एफएम बैतूल। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं वडोदरा तहसील मुक्ताई नगर जिला जलगांव महाराष्ट्र से सुनील वाघ बोल रहा हूँ। सुनील जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। सुनील जी कैसे हैं आप? मजे में हूँ, आप कैसे हैं सर? हम भी अच्छे हैं। महाराष्ट्र के क्या हाल है आपके क्षेत्र के? बारिश का मौसम बना हुआ है, वैसे तो बारिश रोज चालू है, अभी भी मौसम बना हुआ है। अच्छा। आपके तरफ कैसा है? हमारे यहाँ बारिश तो रुक रुक के हो रही है, हमारे यहाँ फसलों की हालत तो ठीक है, आपके इधर क्या हालत है? हालत अच्छी है, मैं किसान हूँ और साइड बिजनेस किराना दुकान है छोटी सी। आप तो किसान हैं तो आप जानते होंगे खेती किसानी कैसी है आपके क्षेत्र की। खेती अच्छी है और फसल भी अच्छी है। आप तो दुकानदारी भी करते हैं, दुकान में ही आप रेडियो सुनते होंगे है ना? हाँ रेडियो दुकान में सुनता हूँ, यहीं से फरमाइश करता हूँ, अभी खुद दुकान में हूँ। तो बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? मैं आज आगर 16 फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया हुआ है, बरसा रे बरसा सबके बरस। मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। बताइए। मुरलीधर जी ढोले, आदिनाथ जी वाघ, संतोष वाघ, संतोष काटे, संतोष वसाने। ऑन इन प्रोग्राम हेलो एफएम बैतूल। जाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है हफ्ते में गुरुवार के रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच 07141231944 और 07141234722 इन फोन नंबर्स पर। याद रखें रिकॉर्डिंग में शामिल होने के लिए हफ्ते में गुरुवार के रोज आपको 07141234722 और 07141231944 इन फोन नंबर्स पर फोन करना होगा सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। आज के इस कार्यक्रम में टेक्नीशियंस थे अशोक सुनारे और कमलेश शेषकर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इजाजत दीजिए सुमन को। नमस्कार। हेलो एफएम बैतूल। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल, यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।